हेलो गाइज, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबी टेक्निकल किंग चैनल में। गाइज, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप यहां पर सीसी का सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहां पर सर्च करना है सीएससी रजिस्ट्रेशन, आपको लिखना है और यहां पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में आपके सामने यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा सीएससी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देख पा रहे हैं माय अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा माय अकाउंट का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आपका जो सीएससी आईडी है आपको यहाँ पर वो एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको आपके डिवाइस है आपको यहाँ पर कनेक्ट करके सिस्टम से, और आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर सब कुछ फिल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सब कुछ फिल कर लिया है। अब आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके सिस्टम में जो डिवाइस कनेक्ट है आपको यहाँ पर वो आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको स्टार कैप्चर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको अपना सीएससी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के लिए आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको इसे पीडीएफ में आप इसको सेव कर लेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सीएससी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, आशा करता हूँ आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।